चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर देश भर में छापे मारे जा रहे हैं और देश के कई राज्यों से संदिग्धों को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है। राजस्थान के भी कई शहरों में छापे मारे गए हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान में बड़ी खबर है कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। खासतौर पर बच्चों के साथ होने वाले रेप के मामले में इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि लगभग हर पांचवें सातवें केस में आरोपी वीडियो बना लेते हैं और इसको वायरल करने की धमकी देते हैं। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में इसी साल डीजीपी तक चिंता जता चुके हैं। यही कारण है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के केसेस को केस ऑफिसर स्कैम तक में दिया जा रहा है। बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले यौन अपराधों में राजस्थान देश के किसी भी राज्य में सबसे आगे है। देश के 28 राज्यों में रेप की धारा 376 में पूरे एक साल के दौरान 2590 केस दर्ज हुए हैं। इसमें अकेले राजस्थान की संख्या 1279 है, यानी देश के आधे मुकदमे तो सिर्फ एक ही राज्य में दर्ज हुए हैं। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश 577 केस, उत्तर प्रदेश 204 केस, हिमाचल और झारखंड में 198 और 116 केस के साथ है। कई राज्य में तो पूरे साल में ही रेप का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। जर्मनी के कुछ बच्चों के पोर्न वीडियो के मामले में जर्मनी पुलिस ने भारत पुलिस से संपर्क किया था, जबकि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी भेजी गई थी। पता चला कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया हुआ था और ये लोग इस वीडियो को ग्रुप में भेज रहे थे। 7 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसमें जयपुर का एक चोमू से निवासी पकड़ा गया था। 2 साल पहले एसओजी की टीम ने जयपुर से एक नशा मुक्ति संचालक को व्हाट्सएप ग्रुप में चाइल्ड पोर्न वीडियो डालने के मामले में पकड़ा था। उसके खिलाफ एनसीबीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। हाल ही में उदयपुर के एक रिपोर्ट में महिला कांस्टेबल के बच्चे के मामले में चाइल्ड पोर्न वीडियो बनाने वाले डीएसपी को भी पकड़ा गया था, जिसे निलंबित कर दिया गया था। हाल ही में उसकी जमानत हुई है।